यदि जीवन में अपार धन और समृद्धि चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आजमाएं मात्र 5 ऐसे चमत्कारी उपाय जो सभी तरह के वास्तु दोष को दूर करके आपको सफल बना देंगे। माता लक्ष्मी के घर में स्थायी रूप से वास होगा, तो आइए जानते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपने मकान को बाहर और भीतर से ऑफ व्हाइट कलर से पुतवा कर उसे सुंदर वस्तुओं और चित्रों से सजाएं। द्वार को वंदनवार लगाएं और लाइट का संयोजन अच्छे से करें। वायव्य उत्तर और ईशान की दिशा में हवा और प्रकाश के आने के रास्ते बनाएं। नैऋत्य और दक्षिण से हवा को प्रकाश के रास्ते बंद कर दें। इसके लिए किसी वास्तुशास्त्री से मिलकर काम कर सकते हैं। हर सिंगार के फूल बहुत ही सुंदर और सुगंधित होते हैं। यह घर आंगन की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। इसे घर के आसपास होना बहुत ही शुभ माना गया है। हर सिंगार का वृक्ष जिसके भी घर के आसपास होता है उसके घर के सभी तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। हर सिंगार के फूल जिसके भी घर आंगन में खिलते हैं वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। घर के सभी कमरों में सुगंध का अच्छे से प्रयोग करें। इसके लिए स्प्रे करें या धूप पत्ती से सुगंधित वातावरण बनाएं। हर दिन बदल बदल कर सुगंध का प्रयोग करें। घर के अंदर या आसपास सुगंधित पौधे या वृक्षों को लगाएं, जैसे रातरानी, मोगरा, चमेली, मधुमालती आदि। गुग्गल और अष्टगंध की सुगंध अत्यंत ही प्रिय होती है। घर के किचन में पीतल और तांबे के बर्तनों की मात्रा बढ़ा दें और नॉनस्टिक प्लास्टिक, कांच और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की संख्या कम कर दें। पीतल के बर्तन माता लक्ष्मी को प्रिय है। पीतल के बर्तन वैसे ही शुभ माने जाते हैं। घर में इनकी अधिकता होना चाहिए।